हाल ही में चौथे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का तीसरा दिन एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में शुरू किया गया, जहां पर श्रीलंका के डायरेक्टर और राइटर देविंदा कोहंगे अपनी फिल्म भवतारणा क्रॉसिंग संसारा को शामिल करने आए और उनके साथ श्रीलंका के एक्टर संजीव राजपूत्रा और टीवी सुपरस्टार चंदिका नयनकरा भी शामिल हुए। देविंदा कोहंगे ने भवतारणा फिल्म द कन्यन किंगडम ऑफ श्रीलंका नामक पुस्तक की मदद से निर्देशित की है और इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए डायरेक्टर से वागजब की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा, माय नेम इज देविंदा कोहंगे, फिल्म मेकर डायरेक्टर फ्रॉम श्रीलंका एंड लेट मी इंट्रोड्यूस चंदिका नयनकरा माय मेन रोल एंड सजीव शास्त्री राजपूत माय मेन रोल। दिस पर्टिकुलर प्लॉट डजंट टॉक ऑफ फेमिनिन जेंडर इशू, इट्स बेसिकली अबाउट पॉलिटिक्स बुद्धिज्म एंड एक्टिविटीज। व्हाई आई ब्रॉट दिस बुक इज द बिगिनिंग ऑफ इट, beginning of the concept. You know, Sri Lanka is very much about Buddhism and politics. It has been there from past, it is in the present, and it will further go towards the future also. So when I started the research work on this particular product, on the screenplay, I spent about 1.5 years on field, on research, based on this particular book by Alice Devaraja. She's a Tamil lady, a professor in Sri Lanka. So I took up one chapter of this and I did a research. Well, what I talk in this is what I try to express, what I try to penetrate towards the society. Buddhism and politics always has been interwoven. Even during the Buddha's days, it was there. Buddha's father was a king, so it was interwoven. So Buddhism always has a relativity with politics. So obviously Sri Lanka is influenced by India, by the Indian culture, art, cinema, language, everything. So the same way Buddhism also has been influenced fully. It was introduced by India, by Indians, by the Indian culture. It's like a chakra, it keeps on. So in Buddhist culture, there is no equivalent of politics. But in the culture of politics, you need Buddhism. So they depend on Buddhists, they depend on the robe, they depend on monks. So when I turned back to the past, I saw the exact happening in 1760 in Sri Lanka. So this is the entire concept of the film, where I speak of humanity, past, politics, Buddhism, and present politics. So where I try to depict the egoism has to be thrown away, washed away, removed away from life. So for that I have taken the platform of politics and Buddhism to express this concept. We are planning to release it in 2016. संजीव राजपूत्रा इस फिल्म में अपनी एक अलग भूमिका निभा रहे हैं और जब हमने उनसे ये पूछा कि आप इस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे तो उन्होंने कहा, पर्सनली टू हैव बीन पार्ट ऑफ अ फिल्म दैट्स सो मीनिंगफुल एंड सो डीप, दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस इन सो मेनी डिफरेंट वेज। आई थिंक द डायरेक्टर एंड द कास्ट, एवरीवन हैज डन अ वंडरफुल वंडरफुल जॉब एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ दैट एज़ वेल। और श्रीलंका के टीवी सुपरस्टार चंदिका नयनकरा ने हमसे अपनी कुछ बातें शेयर की। अब तो सिर्फ ये देखना है कि देविंदा कोहंगे की भवतारणा फिल्म दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कमाल दिखा पाएगी या नहीं। इस समारोह की लेटेस्ट अपडेट के लिए वागजब को सब्सक्राइब कीजिए। बॉलीवुड की लेटेस्ट और खट्टी मीठी बातों को जानने के लिए आप वागजब.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।